थैंक यू सर, थैंक यू। हाय, दिस इज राजकिशोर। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मैं एक बिजनेस कंपनी पे आरएसएम हूँ और आंध्र और तेलंगाना का देखभाल करता हूँ। और मैं एक वर्कशॉप अटेंड किया था अमोल जी का, और मेरे को बहुत पसंद आ गया था क्योंकि मास्टर क्लास में एनरोल कर दिया था, उसमें ज्वाइन हो गया था। बट मैं एक बोलना चाहता हूँ, मेरा दोस्त से कुछ दोस्त मेरा बैंगलोर गया था, उस दोस्त ने एक बात बोला था, जो बैंगलोर में एक साल रह के एक सॉफ्टवेयर जॉब नहीं कमा सकते, वो सॉफ्टवेयर जॉब जिंदगी में किधर भी नहीं कमा सकते। जैसे ऐसे अमूल जी के पास जो सीखने वाले फोटोग्राफर नहीं बनते, किधर कभी भी नहीं बना सकते। दिस इज माई फैक्ट, मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ आपको। प्रिसाइज, इतना प्रिसाइज टॉपिक्स है, प्रिसाइज गाइडेंस है। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी यूट्यूब भी ओपन करके देखने पड़ेगा। सो नथिंग रिक्वायर्ड, ओनली जस्ट ज्वाइन इन द टीम ऑफ अमूल जी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट नॉलेज। थैंक यू तिरुमला राजकुमार फॉर द काइंड वर्ड्स। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। ये सच में बोला था सर, मैं आपको पहले बोलना चाहता था बट मैं सच में बोला, क्योंकि मेरा दोस्त का ऑलमोस्ट 3 साल पहले ये बात बोला था। क्योंकि कोई भी बैंगलोर में जाता है 1 ईयर पे उन्हें जॉब प्रेशर भी हो, नहीं तो एक्सपीरियंस भी हो, 1 ईयर पे उसको जॉब नहीं मिलता बैंगलोर पे, उसको जिंदगी में किधर भी नहीं मिलेगा दुनिया पे। सेम मैं भी बोल रहा सर, आपका कोर्स देखने के बाद कोई भी फोटोग्राफर नहीं बना, नहीं तो फोटोग्राफर नॉलेज उसको आया नहीं तो किधर भी नहीं आएगा उसको। Thanks. I can understand, Rajkumar, Rajkishore. Actually, see, why it happens, you know, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि I have gone through the pain points of becoming a photographer. तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो मैं तकलीफ के थ्रू गया हूँ या जो मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा फोटोग्राफी सीखने के लिए, दूसरों को भी लगे। तो मैंने वो सारे एक्सपीरियंस मेरे ये कोर्स में डाल के रखा है, देयरफॉर इट कम्स अक्रॉस एज अ वेरी नेचुरल फ्लो और लर्निंग नीड्स आपके पूरे सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा पॉइंट टू पॉइंट, राइट फ्रॉम एक पॉइंट टू सेकंड पॉइंट हम जंप कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द प्रोसेस जो हमें हमारे थॉट प्रोसेस में आते हैं कि हमने अभी मैनुअल मोड सीख लिया या सेमी ऑटो मोड सीख लिया, तो फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि रॉ में खींचना है कि जेपेग में खींचना है, राइट? फिर उसके फायदे क्या है और थिंग्स लाइक दैट। सो ऑल दोज आर कमिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट? थैंक यू वेरी मच तिरुमला।